किसी से दूर होना और किसी को दूर कर देना आसान नहीं होता। लोग समझते हैं कि हम बेखिस हो चुके हैं, लेकिन बेहतरी के लिए रास्ते अलग करना पड़ता है। इस एक हकीकत में बहुत तकलीफ होती है। हो सकता है कि जिसे आप बेरूखी समझ रहे होते हो वो उस नफ्स की जात का अजियत भरा पहलू हो। जिस दिन लड़कियां किसी गरीब से निकाह करने के लिए तैयार हो जाएगी, उस दिन के बाद किसी लड़की को तलाक भी नहीं होगी, ना ही कोई लड़की सिंगल होगी। तुम गरीब से निकाह करो, मेरा रब तुमको अमीर बना देगा। महज मखसूस खलिया इख्तियार कर लेना सुन्नत नहीं, बल्कि सच बोलना, आजजी दिखाना, फजूल खर्ची से बचना, पूरा तोलना, मिलावट ना करना, दूसरों के हुकूक अदा करना, उनके काम आना और वादा पूरा करना भी सुन्नत है। मुश्किल वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता, बल्कि मुश्किल वक्त में लोगों की पहचान हो जाती है और वो पहचान हमेशा के लिए याद रह जाती है। कोई आपसे मोहब्बत लेने आए तो उसे मोहब्बत देना, मोहब्बत सिखाने ना लग जाना। दरख्त पर औकात से ज्यादा पल लग जाए तो उसकी टहनियाँ टूटना शुरू हो जाती है। इसी तरह जब इंसान को उसकी औकात से ज्यादा मिल जाए तो रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। अंजाम आहिस्ता आहिस्ता दरख्त अपनी फसल से महरूम हो जाता है और इंसान अपने रिश्तों से। हक की बात कहने से मत डरो, क्योंकि ना कोई तुम्हें मौत दे सकता है, ना ही कोई तुम्हारा रिज़्क कम कर सकता है। जब इंसान माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है तो उसका रिज़्क रोक दिया जाता है। मोहब्बत में कामयाबी सिर्फ बहादुर मर्द और जनूनी औरत को ही मिलती है। वफादार औरत और नस्ली घोड़ी पैसों से नहीं, नसीब से मिलती है। खूबसूरती में शराब से भी ज्यादा नशा है, ये रखने वाले और देखने वाले दोनों को ही मदहोश करती है। सियाह दिल और बदजुबान औरत हमेशा धोखेबाज और बेवकूफ होती है। महबूब और परिंदे को आजाद छोड़ दो, अपना हुआ तो वापस आ जाएगा। मोहब्बत में पाबंदियां नहीं लगाई जाती, बल्कि आजादी सी दी जाती है। और फिर जो शख्स आजादी के बाद भी सिर्फ तुम्हारा रहे, मोहब्बत इसे कहते हैं। अहमियत हमेशा लाहासिल की होती है। जैसे ही आप मुयस्सर हुए, लोग आपको खाक में मिला देंगे। मोहब्बत सबसे बांटनी चाहिए, मगर खुद को बस किसी एक से बांटनी चाहिए। मेरी जान, मोहब्बत रवैयों को जेल कर होती है, बातों से आदत हो सकती है मोहब्बत नहीं। माजी के दुख और मुस्तकबिल के अंदेशे हमारे हाल की खुशियों को दीमक की तरह चाट जाते हैं। अफसोस, दुनियावी मोहब्बतों की उम्र धुंधले शीशे पर लिखे गए नामों से भी ज्यादा अर्जी और मुख्तसर होती है। मर्द की तीन अदाएं औरत को दीवाना और पागल कर देते है। नंबर एक शर्मीला, नंबर दो इज्जत करने वाला, नंबर तीन शरीफ और बोला वाला, हर बात मानने वाला। बंदे और अल्लाह ताला की मोहब्बत में फर्क ये है कि बंदे की मोहब्बत हमेशा इंसान की बड़ी कमजोरी बन जाती है और अल्लाह की मोहब्बत इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।